जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी सिंह सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज से सावन माह आरंभ हो चुका है, तो जितने भी साधक हैं और जो इस चैनल के वीडियो को देखते हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो लोग हमारे गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत जो विद्या बताई जाती है, जो मंत्र और तंत्र के बारे में जानकारी दिया जाता है, यदि आप वह जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जो है पेड गुरु के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप पाठ पीढ़ा लेना चाहते हैं तो पाठ पीढ़ा ले सकते हैं, और जिन्हें दीक्षा लेना है वह दीक्षा ले सकते हैं, जिसमें आपको इस पेड ग्रुप के लिए शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गोपनीय मंत्र बताया जाएगा और साथ ही इसमें जो पूजा सामग्री लगता है वह अलग हिसाब से लगता है, अलग पद्धति, जिसमें सात्विक तामसिक अवघर तीनों रहता है, इसलिए इसका शुल्क लिया जाता है। नहीं तो मेरे YouTube में जितने भी जानकारी है वो सभी निःशुल्क है। तो इसमें पेड ग्रुप के लिए और इस सावन माह के लिए विद्या सिखाने के लिए और सीखने के लिए अभी आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और इसमें नाम एंट्री आरंभ हो चुका है, इसलिए आप लोग जल्दी से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं और यह जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बाद में, बहुत लोग हैं जो पिछले वर्ष भी रहे थे, बहुत लोग कोशिश किए लेकिन वो लोग नहीं जुड़ पाए, बहुत वो लोग भी व्हाट्सएप किए थे कि हम पिछली बार नहीं जुड़ पाए, तो आप लोग इस वर्ष जुड़ लें। और समय बहुत कम है, जितना जल्दी समय आप जुड़ पाएंगे उतना आरंभ कर देंगे जल्दी जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि बाद में आप ये ना कहें कि हमें उस समय बताया नहीं गया या हम छूट गए या चूक गए, तो और किस जगह यह कार्यक्रम रखा जाएगा इसके बारे में आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जानकारी के लिए। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था और व्हाट्सएप में भी बहुत लोगों से चर्चा किया कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति या दुश्मन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो और उसको लाख समझाने के ऊपर में आपके पास में यह विद्या यह प्रयोग करने के आपको मजबूर कर दिया हो, इसको यदि सही में उसके योग्य है या दुष्ट तांत्रिक दुष्ट डायन है जो आपको अहित करना चाहते हो उनके ऊपर में इसको प्रयोग करना है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति हो या फिर किसी सुखी संसार घर परिवार को तोड़ने के उद्देश्य से इस प्रयोग को कदाचित ना करें। यह प्रयोग करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार, हजार बार जरूर सोच लें। यह प्रयोग बहुत ही घातक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख के कार्य कीजिएगा। जब आपको लगे कि उचित मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अभी इसको चलाएं, तभी इनको चलाइएगा। यह जो मंत्र विधान है यह किसी व्यक्ति को, अच्छा खासा व्यक्ति है, उनको आहत करने के लिए, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक पहुँचाया जा सकता है इसके प्रयोग से, और उनको ऐसे रोग लग जाएगा जिसका कोई उपचार नहीं होगा और वो दिखाएगा तो भी उनको किसी प्रकार से उसको आराम नहीं मिलेगा, इस तरह से खतरनाक है, इसलिए इसको उपयुक्त किए। यह जानकारी जो आहत करते हैं किसी व्यक्ति को, उनसे बचाव के पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इस उद्देश्य से बता रहे हैं। और दूसरा, यह जानकारी लुप्त न हो इसलिए भी आपको बताया जा रहा है। इसको जानकारी के माध्यम से रखें, किसको अहित और दुराचार करने की भावना से इस मंत्र के इस तंत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही करना, जब आपके पास कोई रास्ता रहा तब करना। तो इनके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुत्ते का हड्डी प्राप्त करना है, और जिसमें हड्डी प्राप्त कर लें, उसे कोई से कलर हो या कोई भी हो इससे मतलब नहीं है। अब उनको आपको शनिवार के दिन निमंत्रण दे करके लाना है। निमंत्रण देने समय में आपको थोड़ा सा चावल, सफ़ेद चावल, और थोड़ा सा पानी ले जाना है और उसके ऊपर में छिड़क देना है तीन बार, और कहना है कि आप शक्ति सही चलिए, हे काल भैरव, आपका आशीर्वाद से मैं इसको लेने आऊँगा, अमुक काम है, वहाँ पे आपको काम को बोलना होगा, इस काम के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आप शक्ति सही चलिए, बस इतना करना है। और उसके बाद में अगले दिन आपको ले आना है, लाने के बाद उसको रख देना है,
अब किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल या फिर किसी भी शनिवार के दिन आपको शमशान घाट में चले जाना है, और जाने के बाद में काला कलर का कपड़ा में आपको वहाँ पे लगा लेना है, उसी के ऊपर हड्डी को रख देना है, और आप जो कुसा का आसन या फिर काले कलर का आसन उसमें आपको बैठ जाना है, आपको भी बैठना है, उनको भी बैठना है, उसको बैठाना है, उसको बैठ लेना है, नारियल, अगरबत्ती, बंगला पत्ता और लौंग इलायची या रख लेना है, और अगरबत्ती जला करके, जल को छिड़क करके आप अपने गणेश, गुरु, सरस्वती और रक्षा मंत्र पाठ करने के बाद में गुरुदेव का स्मरण करके और काल भैरव का स्मरण करके, महाकाली का स्मरण करके उनके नाम से पूजन करेंगे, और उसके बाद में उस हड्डी में आपको बंधन या सिंदूर से उसमें उनका, उससे एक शत्रु का नाम लिख दिया जाता है, लिखने के बाद में उनको पकड़ लेना है कपड़ा सहित ऐसे करके, और पढ़ने के बाद में 21 बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद में उनको किसी शत्रु के घर में, उसको घर में दबा देते हैं, उसके घर में फेंक देते हैं, तो आप जो यह प्रयोग करेंगे उनसे जिस तरह कुत्ते को रोग लग जाता है उसी तरह उसको लग जाएगा और इसमें आहत हो जाएगा। यह तो हो गया प्रयोग विधि। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बताता हूँ विधि। इसको मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी शुभ दिन में आपको या फिर अमावस्या के दिन आपको शमशान घाट चले जाना है, और वहाँ पे काला कपड़ा बिछाना है, और वहाँ के उसके ऊपर में चावल और दीपक उसमें ऊपर में रख देना है, और एक नारियल, नींबू, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई और थोड़ा सा शराब वहाँ पे रखना है, और रख करके इस मंत्र को 108 बार आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद में सभी सामग्री को वहाँ दे देना है, अर्पण कर देना है, और वहाँ पे भोग प्रसाद दे देना है, शराब को भी थोड़ा सा अर्पण कर देना है, और नारियल को ही छोड़ देना है, कपड़ा सहित उसको छोड़ देना है, यदि छोड़ते ना बने तो उसको जमीन में दबा देना चाहिए और ये शमशान घाट में छोड़ दें। यह प्रयोग करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रयोग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपको प्रयोग करना है। ये बात का ध्यान रखिएगा, इसको उपयुक्त समय हो तो ही कीजिए। अब वह मंत्र कौन सा है यह ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, वन घाट में बाघिन पानी पिए, मानस पुत्र सवार किए, कहाँ चले तिरिया राज बंगाल चले, वहाँ जाकर क्या करे, जादू मारे टोना करे, अमुक को अमुक रोग लगाए, ना लगाए तो बंगाल खंड काली की आन। इसी तरह यह मंत्र है, जहाँ पे अमुक शब्द आया है वहाँ पे आपको उस शत्रु का नाम लेना है, और नाम लेने के बाद में आपको कार्य करना है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो हड्डी होगा उसमें नाम लिखा होगा तो उसको काला कपड़े से आपको लपेट देना है, लपेटने के बाद में काला कलर का धागा से उसको बंधन कर देना है और 3 गांठ लगा देना है, उसके बाद में फेंकना है या फिर जमीन में गाड़ देता है। इस तरह से प्रयोग करते हैं कि किस तरह आहत करते हैं। अब इसको निराकरण कैसे करना है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा कि इसको कैसे ठीक करना है, यदि आपके घर में कर दिया हो या फिर आपके ऊपर में, तो इसको निराकरण कैसे करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को पता चल सके और यह जानकारी उत्पन्न हो। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।